भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने कई बड़े सैटेलाइट को सक्सेसफुल लॉन्च किया है, लेकिन इस बार इसरो को अपने नए मिशन को लॉन्च करने के लिए फॉरेन की किसी स्पेस कंपनी से हेल्प ले रहा है। अभी हाल ही में इसरो की कमर्शियल आर्म न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने 3 जनवरी को यह घोषणा की थी, इस साल के सेकेंड क्वार्टर में अमेरिका के बिजनेसमैन एलोन मस्क की स्पेस एक्स की फाल्कन 9 रॉकेट का यूज करेगी। भारत का एक स्पेस मिशन GSAT-20 लॉन्च इस साल किया जाएगा। ये इसरो का पहला ऐसा मिशन होगा जो किसी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए किसी दूसरे लॉन्चर्स का यूज किया जा रहा है। NSIL ने इसकी एक प्रेस नोट ट्विटर पर शेयर की है। NSIL का फर्स्ट डिमांड ड्राइव मिशन GSAT-24 को जून 2022 में लॉन्च किया गया था। GSAT-20 इसका रीनेम GSAT-N2 इसरो का सेकंड डिमांड ड्राइव सैटेलाइट मिशन होगा। भारत के पास सबसे पावरफुल रॉकेट GSLV मार्क 3 या इसे LVM-3 भी कहते हैं। इसकी मैक्सिमम पेलोड कैरिंग क्षमता 4000 kg है और GSAT-20 सैटेलाइट उसका वेट 4700 kg से भी ज्यादा है, इसलिए हमें एक विदेशी कंपनी से लॉन्चिंग करवा रहे हैं। SpaceX का फाल्कन 9 रॉकेट वर्ल्ड फर्स्ट ऑर्बिट क्लास रियूजेबल रॉकेट है। अभी तक 280 से ज्यादा लॉन्चिंग और इनमें 200 से ज्यादा रीफ्लाइट करके लैंडिंग कर चुका है। इससे पहले हम फ्रांस की एरियन स्पेस की सर्विस भी ले चुके हैं, लेकिन ये थोड़ा भारत के लिए सेटबैक है क्योंकि भारत को ऐसे मिशन के लिए विदेशी कंपनियों को मिलियंस में पे करना होता है। बट हो सकता है भारत फ्यूचर में 5000 से ज्यादा पेलोड क्षमता वाला रॉकेट बना ले। ऐसे ही करंट अफेयर्स के लिए अफेयर एटलस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।